पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को चुनाव मैदान में उतारा है। मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अंबेडकर पार्क में जमा हुए। नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी पूरे रंग में नजर आए और उन्होंने मंच से शायरी सुनाकर लोगों को जोड़े रखा। चुनावी मैदान में अपनी जीत के लिए उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। चुनावी मौसम में पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। भाजपा सांसद हेमा मालिनी जहां मथुरा के खेतों में गेहूं काटती नजर आईं, तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा गरीब के घर खाना खाने को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। मुरादाबाद में कांग्रेस ने शायरी की दुनिया में मशहूर इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा है, तो भला वो अपना हुनर दिखाने से कैसे पीछे रहते। नामांकन से ठीक पहले इमरान प्रतापगढ़ी पूरे शायराना अंदाज में नजर आए और उन्होंने एक के बाद एक कई शायरियां सुनाकर कार्यकर्ताओं के दिल में जगह बनाने की कोशिश की। अपनी शायरी के जरिए देश और समाज के तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश करते इमरान के अंदाज को देखकर चुनावी सभा के मुशायरा सभा में तब्दील होने में देरी नहीं लगी। कार्यकर्ताओं का मूड भाप कर इमरान भी एक के बाद एक अपनी जुबान को शायरी की शक्ल देने लगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद खुद राज बब्बर ने इमरान से शायरी सुनाने की दरख्वास्त की, जिसके बाद इमरान दोबारा शायराना अंदाज में नजर आए। चुनावी मौसम में उम्मीदवार लोगों को लुभाने के लिए शायरी और गीतों का सहारा लेते रहे हैं, लेकिन जब उम्मीदवार मशहूर शायर हो तो कार्यकर्ताओं को शायरी तो सुनने को मिलेगी ही। इमरान भी जानते हैं कि मतदाताओं के दिलों में जगह बनानी है तो उनको अपना यह अंदाज आने वाले दिनों में भी जारी रखना होगा। मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी के शहर में शायर इमरान का भविष्य क्या होगा, ये तो 23 मई को मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल तो इमरान और कार्यकर्ता शायराना अंदाज में ही नजर आ रहे हैं। अरे चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ सियासत में एंट्री कर लेना नहीं है, सांसद बन जाना नहीं है। मैं जो लड़ाई पिछले 7-8 साल से लड़ रहा हूं, उस लड़ाई के मकसद को समझिएगा कि मुझे महाज बनाना है जालिमों के खिलाफ, मुझे महाज बनाना है जालिमों। चुनाव में पूरी तरह से हम सब तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी तैयार है, हमारा संगठन तैयार है। हम 28 तारीख से लगातार क्षेत्र में हैं। रोड शो के बाद हम लोगों ने लगातार गांव-गांव जनसंपर्क किया है, शहर में जनसंपर्क किया है और बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस के लिए, राहुल जी की नीतियों के लिए मुरादाबाद पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से एक अभी अब तक लगातार विरोध सामने आ रहा था आपका भी, उसे कैसे किस तरह से फेस कर, मुझे लगता है आज जो सभा थी उसके विजुअल आपको देखने चाहिए, उसके बाद ये सवाल आपका नगण्य हो जाता है। किस तरह से उन्हें मनाने का प्रयास किया? मैं बेटा हूँ, मैं 31 साल का हूँ, जाहिर सी बात है अगर किसी बुजुर्ग के दिल में मलाल है तो मैं जाऊंगा, गले से लगाऊंगा और दो शेर सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया लगता है कि बात समाप्त। जानना चाहेंगे किस तरह का मलाल? इमरान भाई, नहीं कोई मलाल नहीं था, होता है, संगठन में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत अगर कोई मलाल है भी तो मेरा फर्ज बनता है। मैं बेटा हूँ, मैं यहाँ नेता बन के नहीं बेटा बन के आया। वाह, और मैं गले लगा करके सबको, सबका मलाल दूर करूंगा, कोशिश करूंगा कि सर सबकी जो उम्मीदें एक सांसद से होती हैं उससे आगे बढ़ करके मैं काम करूं। और मैं भरोसा जताता हूं कि साल भर के अंदर मुरादाबाद इस बात पे फख्र करेगा कि उसने किसी सही व्यक्ति पर भरोसा जताया, उसे चुना। आप मुरादाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, मुरादाबाद लोकसभा में कितनी विधानसभाएं? 5 विधानसभाएं। कौन कौन सी? बड़ापुर, मुरादाबाद देहात, मुरादाबाद शहर, ठाकुर द्वारा और कांट। सीधे भाजपा और भाजपा की नीतियों से हमारी लड़ाई है, जो आम आवाम की जेबों पे डाका डाला गया है, जो यहाँ के कारोबारियों को इतनी कठिन GST लगा करके पीतल उद्योग को बर्बाद कर दिया गया है, उस सब से हमारी लड़ाई है। और हम बदलने जा रहे हैं मुरादाबाद की मौजूदा स्थिति को भी और देश के तख्त को भी।